जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, मृत्यु के उपरांत जब तेरहवीं की जाती है तो उसमें मृत्यु भोज खिलाया जाता है, जिसमें अधिकतर लोग अपने क्षमता से अधिक दिखावा करने के लिए ब्राह्मण एवं रिश्तेदारों को भोज पर बुलाते हैं। उन्हें यह विश्वास होता है कि जितने अधिक लोग तेरहवीं के दिन आएंगे उतनी ही जल्दी मृत हो चुके परिजन के आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन आपको यह बता दें, इस बात का प्रमाण किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता कि मृत्यु भोज के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर यह मृत्यु भोज का चलन कहाँ से प्रारंभ हुआ और क्या मृत्यु भोज खाने से हम पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इसी विषय पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस रहस्य को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, जिसमें यह भी उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस तरह मनुष्य के आत्मा को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि मृत्यु के बाद मृतक के परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति तथा यमलोक की यात्रा को तय करने के लिए तर्पण और पूजा करना चाहिए, ताकि मृतक व्यक्ति के आत्मा को इस कठिन मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त हो सके। दोस्तों जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तब वह शक्तिहीन हो जाती है। इस स्थिति में उसके परिजन जो 12 दिनों तक पिंडदान करते हैं उससे ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे आत्मा के अंगों का निर्माण होता है, एवं 11वीं और 12वीं के दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मांसपेशी एवं त्वचा का निर्माण होता है। इसके बाद जब 13वीं की जाती है तो मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसी पिंडदान से प्राप्त शक्ति के द्वारा वह यमलोक तक का सफर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आत्मा 12 दिनों तक पैदल चलते चलते कई कष्टों को सहते हुए यमलोक तक पहुँचते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 13वीं की जाती है। 13वीं के दिन मृतक व्यक्ति के सबसे पसंदीदा व्यंजनों को बनाया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और ब्राह्मण भोज करा के मृतक व्यक्ति की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। दोस्तों जिसे पहले ब्राह्मण भोज कहा जाता था, आज के परिवेश में उसे ही मृत्यु भोज कहते हैं, जो अनुचित है, क्योंकि ब्राह्मण भोज में केवल ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जाता है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन ब्राह्मण भोज एवं 13वें दिन 1 या 13 ब्राह्मण को भोजन कराया जाना चाहिए। अगर 13 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन के उपरांत श्वेत वस्त्र, जनेऊ एवं 1 बर्तन दान में देना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों अब आपके मन में विचार आता होगा कि जब मृत्यु भोज का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ। दोस्तों गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी वर्णन मिलता है और यह तब किया जाता है जब परिवार के मुखिया का निधन हो जाए। इसके बाद घर का नया मुखिया चुना जाता है और उम्र में सबसे बड़े व्यक्ति के सिर पर पगड़ी बांध दी जाती है। यह रस्म अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद किया जाता है। नया मुखिया चुने जाने के बाद गांव एवं रिश्तेदारों को भोजन के लिए बुलाया जाता है। इसी प्रथा को आजकल मृत्यु भोज से जोड़कर देखा जाने लगा। दोस्तों अब यह भी जान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज करा रहा है तो क्या वह गलत है, या फिर जो मृत्यु भोज करते हैं उन्हें कोई पाप लगता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में नहीं मिलता,
लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व को देखा जाए तो इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह बात महाभारत युद्ध के पहले की है, जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास जाकर संधि करने को कहते हैं और दुर्योधन को अनेकों प्रकार से सलाह देते हैं ताकि युद्ध न करना पड़े, लेकिन दुर्योधन अपनी बातों पर अड़ा रहा। तब भगवान कृष्ण वहां से जाने लगते हैं। यह देखकर दुर्योधन श्री कृष्ण को भोजन करने के लिए कहता है। यह सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले दोनों का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, परंतु जब दोनों के हृदय में पीड़ा हो तो ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का किया गया भोजन व्यक्ति के शक्तियों को कम कर देता है। दोस्तों, जब किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो तेरहवीं में आने वाले और जिनके घर मृत्यु हुई है दोनों के ही मन में उनके मृत्यु की पीड़ा होती है, जिससे भोजन करवाने वाला एवं भोजन करने वाला दोनों ही दुखी होते हैं। इसीलिए मृत्यु भोज अर्थात तेरहवीं में भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उससे पता चलता है कि इस दिखावे की दुनिया में मृत्यु भोज भी एक तरह से दिखावा ही है। अतः ना तो हमें मृत्यु भोज करना चाहिए और ना ही इसमें शामिल होना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।